आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बिहार वासी आज दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी ओर बाढ़ की त्रासदी से सभी परेशान हैं। जिस तरह उत्तर बिहार के अधिकतर क्षेत्र बाढ़ के पानी से जलमग्न है, वहीं सारण प्रमंडल भी अछूता आपदा के प्रभाव से दूर नहीं है। बाढ़ की चपेट में आने से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली आबादी भयाक्रांत है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खेतों की क्या कहें, घरों में व सड़कों पर 1.5 से 2 फीट पानी बह रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम बचा हुआ है। इस मुश्किल परिस्थितियों में छपरा शहर की कई सामाजिक संस्थाएं मदद को आगे आई हैं, जो स्थानीय युवाओं के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था लायंस क्लब की छपरा सिटी इकाई के सदस्यों ने आज श्री सिंध गुरुद्वारा सभा छपरा व अमनौर के विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा के सौजन्य से अमनौर प्रखंड के कटसा पंचायत के रजूपुर गांव कटसा दक्षिणी व बाढ़ के पानी से बेघर हुए सड़कों पर आश्रय लिए हजारों बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण की। भूख से बिलबिलाते बच्चों और ग्रामीणों के बीच भोजन पैकेट लेने की आपाधापी इस कदर थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पीछे छूट गया। लोग पेट की आग बुझाने के लिए आगे आ रहे थे और अपनी शुदा मिटा रहे थे। लायंस क्लब छपरा सिटी के फाउंडर सचिव आदित्य अग्रवाल ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बाढ़ से पूरा ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न है, जिनसे आम आदमी के साथ पशुओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि मदद को आगे आए, इनकी सेवा करें। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। बाढ़ को लेके यहाँ लायंस क्लब छपरा और लायंस क्लब के हमारे ट्रेजरर विधायक अमनौर के चोकर बाबा आज आए हुए हैं यहाँ पे। जो आप देख सकते हैं अमनौर प्रखंड का ये रजूपुर गांव है, जो कि आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा है। ये जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। इसी बीच में ये रास्ता है और रास्ते के बाद एक गांव है जहाँ पे लोग कम से कम 2 से 2500 की संख्या में लोग बीच में फंसे हुए हैं, जिसको आज राहत सामग्री पहुंचाने के लिए लायंस क्लब छपरा सिटी के द्वारा और हमारे विधायक अमनौर विधायक चोकर बाबा के द्वारा आज वहां राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है और वहां अभी हम लोग जा रहे हैं। बात करते हैं चोकर से, किस तरह का सहायता लेकर आप वहां जा रहे हैं लोगों के बीच में, कैसे जाएंगे आप? हम लोग वहाँ पक्का भोजन है तैयार और कुछ चूड़ा मीठा भी है, पैसा लोग के पास भी है। हम लोग जा रहे हैं, आज तक कोई नहीं पहुंचा है, बहुत पानी है वहाँ पर, वहीं पर हम लोग पानी में जा रहे हैं ट्रैक्टर के सहारे। बिल्कुल है, हमारे साथ लायंस क्लब छपरा सिटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी हैं, जो कि ये टोटल खाद सामग्री के साथ इनकी पूरी टीम है जो कि यहाँ तैयार है लोग जाने के लिए। कैसे जा रहे हैं, किन लोगों के पास जा रहे हैं, कितने लोग वहाँ अभी फंसे पड़े हैं? वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हम लोग वहाँ पे खाने का व्यवस्था, खाना पका हुआ भी है और सूखा चूड़ा मीठा बिस्किट साबुन मोमबत्ती ये सब सारी सुविधा और तिरपाल भी लेके जा रहे हैं। हमारी लायंस क्लब की पूरी टीम आई हुई है, हम सभी लोगों को जाकर वहाँ पे। बिल्कुल, यहीं पे कुछ और लोग भी हैं जो लायंस क्लब के हमारे ये सरदार जी हैं और सचिव भी हैं, जो कि बताएंगे किस तरह की तैयारी है। बात की तरफ से पका खाना और सूखा चूड़ा मीठा उठा लेकर जाएंगे। बिल्कुल, तो आप सभी लोग तैयार हैं ये बार 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 में पार करने के लिए, तो आप हम लोग चलते हैं उस गांव में जहां पे लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं। फाउंडर पे संकल्प लीजिए जगह। कटसा पंचायत का ये रजूपुर गांव है, आप बाढ़ के कारण लोगों की स्थिति आप क्या हाल है आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भूखे प्यासे यहाँ पे मतलब कई दिनों से ठीक से उन्हें भोजन भी नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये खाने पे इस तरह ये टूट पड़े हैं लोग। और यहाँ के लायंस क्लब के द्वारा हम आपको बता दें
राशन चपाती लाई गई है और कच्चा भोजन भी यहाँ पे वितरण किया जा रहा है, तो वही सभी भूखे और प्यासे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि अभी यहाँ के विधायक ने पटकारी लगाई है, क्योंकि 10 तारीख को ही यहाँ पे कम्युनिटी किचन का आरंभ होना था, 12 तारीख तक यहाँ पे स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा सामूहिक किचन का व्यवस्था नहीं किया गया है। छपरा से रंजीत भोजपुरिया के साथ मैं मनोरंजन पांडे, आरपी भारत।